हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। और आज मैं लेके आई हूँ ये राखी मेकअप लुक। आज मैं कोई स्टिचिंग का वीडियो नहीं लेके आई हूँ, तो मैं मेकअप का वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों को। अगर मेरा ये मेकअप का वीडियो पसंद करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो और बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो मेकअप करने से पहले, सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है फिर, और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है टोनर। तो आपके पास जो भी टोनर है वो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ बायोटिक का टोनर लिया है, तो इसको अच्छे से डैप डैप करके अपने फेस पर लगाएंगे सब। और इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिया है लोटस का, तो यहाँ पे ये लोटस का मॉइस्चराइजर है, तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर और नेक पर लगा लूँगी। अब ये स्किन हमारी मेकअप करने के लिए रेडी है, तो उसके लिए अब मैं लगाऊंगी, सबसे पहले लगाऊंगी मेकअप करने के लिए प्राइमर। तो ये मैंने प्राइमर लिया है ब्लू हेवन का, तो मैं प्राइमर लगाऊंगी सबसे पहले। और इसको लगाने के 5 मिनट बाद आपको, उसके बाद कोई चीज़ अप्लाई करनी है आपको, इसको छोड़ना है 5-10 मिनट लगाने के बाद इस तरह से। अब मैंने ये कलर करेक्टर लिए हैं, तो इसमें मैं डार्क शेड लूँगी, तो जहाँ पे मेरे ये अंडर आईज है, फेस पे डार्क एरिया है जो पे माउथ के आसपास है, तो वहाँ पे लगाऊँगी। फोरहेड पे लगाऊँगी, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, तो मैं जहाँ जहाँ भी ये ब्लैक है तो मैं वहाँ पे इसको लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फाउंडेशन, फॉरएवर 52 का मैंने फाउंडेशन लिया है, तो आप अपनी स्किन के टोन का लीजिए। तो मेरा यहाँ पे शेड है हनी, तो सब इसको लगाऊंगी मैं। तो इस तरह से मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको फाउंडेशन को रगड़ना नहीं है फेस पर, अच्छे से इस तरह से डैप डैप कर कर लगाएंगे। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा फाउंडेशन लगेगा। इसके बाद मैंने ये NY का कंसीलर लिया है, तो हम अपने डार्क एरिया पर, अंडर आईज पर और माउथ के आसपास इसको लगाएंगे, फॉरहेड पे भी लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे बहुत डार्क सा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसको। आईज के ऊपर भी लगाऊंगी, प्राइमर का काम करेगा आई प्राइमर। इस तरह से अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। के बाद मैंने ये फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, तो इससे अच्छे से अपने फाउंडेशन को मेकअप को सेट कर लेंगे ऐसे। और फिर एक ब्लेंडर ब्रश की हेल्प से इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सब। इससे बहुत अच्छा मेकअप होगा, आप मेकअप को अच्छे, जितना आप ब्लेंड करेंगे ऐसे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे अब हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये पर्पल का आईब्रो के शेड लिए हैं, ये ब्लैक है और ब्राउन है, तो मैं दोनों को थोड़ा सा मिक्स करूँगी और एक्स्ट्रा निकाल दूँगी और फिर उसको अपनी आईब्रो को फिल करूँगी उससे। एक एंगल ब्रश की हेल्प से आपको इस तरह से अपने आईब्रो को फिल करना है। आप लोग अगर मेरे मेकअप के वीडियो पसंद करेंगे तो मैं इस तरह के वीडियो और लाती रहूँगी इस चैनल पर। अब मैंने इस आई शैडो पैलेट से ये वाले कलर लिए हैं, इसको और इसको, इन दोनों को थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे और अपनी आईलिड पर
लगाएंगे क्रीज लाइन पर इस तरह से, अच्छे से ब्लेंड करना है आपको इसको। देखिए इस तरह से। अब मैंने एक ये लाइट कलर का कंसीलर लिया है, इससे मैं अपनी आईलिड पर इस तरह से कट क्रीज बनाऊंगी इस तरह से। देखिए ऐसे लगाना है आपको और फिर इसको हल्के से डैब डैब करके ब्लेंड करूंगी। और फिर इससे ये लाइट सा आईब्रो शेड मैंने लिया है लाइट कलर का अपनी स्किन टोन जैसा, और फिर इससे मैं इसको सेट कर लूंगी। अब मैंने इस पैलेट से मैंने ये वाला कलर लिया है, ये जामुनी सा शेड है, इसको लूंगी और अपनी आईलिड पर आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा आप उसको ब्लेंड करेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर मैंने ये वाला कलर लिया है, ये थोड़ा सिमरी कलर है, मेरी ड्रेस का कलर है ये, और इसको मैं इनर कॉर्नर की तरफ से लगाऊंगी इस तरह। ये मैंने उंगली की हेल्प से लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। तो यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का आईलाइनर लिया है। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने ली है अपनी आई शेडो पैलेट और इससे लिया है मैंने ये वाला कलर जो मैंने अपनी आईलिड पर आउटर कॉर्नर की तरफ लगाया था, वही वाला मैंने कलर लिया है। और इसको मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, इसको एक्स्ट्रा मैं निकाल दूंगी और इसको लोअर लैश लाइन पे इस तरह से ब्लेंड करूंगी, हल्का हल्का सा इस तरह से ब्लेंड करूंगी। और इसके बाद मैंने लिया है मस्कारा। तो अब मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। और इसके बाद मैंने लगाया था ब्लश, हाइलाइटर और लिप कलर, तो वो वाली क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है और उसी के साथ मेरा पूरा मेकअप डन हो चुका है। मेरा मेकअप डन हो चुका है और तो लास्ट में मैं लगाऊंगी ये मैंने लिया है इनसाइड का सेटिंग स्प्रे, तो इसे अपने मेकअप को सेट कर लेंगे। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद पूरा मेरा मेकअप डन हो चुका है। तो देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको मेकअप। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेकअप करना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं और लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय।